थाना क्षेत्र के सतपुरा ग्राम निवासी हूं। कलाम पिता इसराइल, जो कि पिछले कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया लाइकी पर हिंदू देवी देवताओं के बारे में कुछ अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपना एक वीडियो वायरल किया था। जो वीडियो वायरल हुआ, इस वायरल वीडियो पर प्रशासन के द्वारा संज्ञान लेते हुए मोहम्मद कलाम के घर सतपुरा प्रशासन पहुंचने के बाद पूछताछ किया गया तथा उसके ऊपर एक FIR दर्ज किया गया। मौके पर भाजपा नेता, राजद नेता और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के अधिकारी लोग सतपुरा गांव पहुंचे। भगवानपुर थाना अध्यक्ष CB शुक्ला की सूझबूझ से बहुत बड़ा मामला टल गया। अगर प्रशासन समय पर ना पहुंचती तो बहुत बड़ा मामला हो सकता था। इसमें थानाध्यक्ष CB शुक्ला की सूझबूझ काबिले तारीफ है, देखिए इस वीडियो में। गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार के सौहार्दपूर्ण वातावरण जो है हम लोग के बीच बना रहा है। क्या वजह हुई कि अभी आप लोग भगवानपुर थाने पे इतनी संख्या में आए हुए हैं? हमारे देवी हिंदू धर्म के जो देवी देवता हैं, इनके खिलाफ अगर कोई भी गलत शब्द का प्रयोग करता है तो कहीं का भी हो कतई नहीं बख्शा जाए। क्या वो अभद्र बातें बताया गया है? हाँ, गाली गलौज सोशल मीडिया पे रिकॉर्डिंग करके डाला गया है। पुलिस वहाँ कैंप कर रही है और प्रशासन के द्वारा उचित कार्रवाई भी किया गया है। हम लोगों ने आवेदन भी दिया है, वो भी रिसीविंग मिला हुआ है। हम लोग को हाथ में है, लेकिन एक चीज़ है कि गाली गलौज करने वाला आदमी कहीं से नहीं बख्शा जाएगा। मैं भगवानपुर प्रखंड संयोजक बजरंग दल स्पष्ट करना है कि कहीं से नहीं बख्शूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। धन्यवाद। अच्छा, अभी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा एक भगवानपुर थाने में आवेदन दिया गया है, उस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो कांड है वो बहुत ही अमर्यादित है और इसको देखने के बाद कहीं ना कहीं से सामाजिक समरसता जो है वो समाप्त होने की स्थिति बनेगी। तो वैसे स्थिति में बजरंग दल के द्वारा जो कदम उठाया गया है, हमारे BJP के पार्टी की तरफ से हमारे जो भी समर्थक है, या हमको लगता है कि हिंदू मुस्लिम ही नहीं, हर एक कौम के लोग इसका समर्थन करेंगे और हमारी समर्थन इनके साथ है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो लिखित आवेदन अभी थाना प्रभारी महोदय को दिया गया, उन्होंने अविलंब कार्रवाई करते हुए उनके पिताजी को समर्थक गिरफ्तार करके लाया भी गया है और उनके ऊपर उचित कार्रवाई की हमको आश्वासन दी गई है। ये बहुत अच्छी बात है और हम हर एक कौम के लोगों से ये अपील करेंगे, आवेदन करेंगे कि किसी प्रकार के सामाजिक समरसता जो है उसमें बाधा व्यवधान ना आए, अपने संयम का परिचय दें और जो भी घटना घटी है बहुत ही गलत है, बहुत ही अमर्यादित है और इसका हम घूरने लगा हुआ। ये जो पूरा प्रकरण है, इस पे आपका क्या वक्तव्य होगा? समाज बड़ा है, इस तरह का मैटर होना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है और बहुत बड़ा क्रेडिट हम अपने बड़ा बाबू को देते हैं यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने इस सिचुएशन को डील किया है। ये बहुत बड़ी बात है और बाकी लोग भी, समाज के सब लोगों का सहयोग है, सब लोग मिलजुल के इस मैटर को शॉर्ट आउट कर लिए हैं, शांति रहेगी। और जो करने वाले हैं उनसे भी मैं कहूँगी इस तरह का हरकत ना खुद करें ना दूसरे को करने दें, और उन्होंने किया है तो उन पे एक्शन होना चाहिए। अच्छा, यहाँ के लोगों को आपके द्वारा कुछ संदेश दिया जाएगा? बिल्कुल, समाज हमारा है, हमको इसको आगे बढ़ाने के लिए अगर हम शांति से रहते हैं तो दिल लगा के काम करते हैं, समाज आगे तरक्की करता है। और इस तरह के अगर मैटर में हम उलझेंगे तो घर परिवार को कहाँ से देखेंगे, समाज को कहाँ से देखेंगे? देखिए, मामला था कि कल शाम से 6 बजे से एक वीडियो वायरल हुआ और हिंदू समाज को गाली बका गया, महादेव को गाली बका गया और जिस प्रकार से अभद्र भाषा का उपयोग किया गया है, ये घटना असतपुर सतपुरा का है। इसका नाम है MD कलाम, जो अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए हिंदू समाज को गाली बका है। इसको हरगिज बर्दाश्त हिंदू समाज नहीं करेगा। और इस पर आप लोग आगे का क्या कार्रवाई कर रहे हैं? प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 24-48 घंटे के अंदर में इसको गिरफ्तार किया जाएगा। अगर गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो उग्र आंदोलन होगा भगवानपुर में। गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार के सौहार्दपूर्ण वातावरण जो है हम लोग के बीच बना रहा है।